अस्पताल की तामीर करने वाले ठेकेदारों ने एहतजाजन अस्पताल का ताबीराती काम रोक दिया। ठेकेदारों ने जम्मू कश्मीर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन पर फंड्स की अदम अदायगी का इल्जाम लगाया। ठेकेदारों का इल्जाम है कि वो मेडिकल कॉलेज की तामीर पर अथक मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फंड्स की अदम दस्तियाबी के बाद उन्हें मुश्किलात का सामना है। उनका कहना है कि वो मजदूरों और दीगर तामीराती कारकुनों को पैसे की अदायगी करने से कासिर हैं, जिसकी वजह से उन्हें आज तामीराती काम बंद करना पड़ा। ठेकेदारों का कहना है कि हुकूमत पहले ही एजेंसी को रकम मुंतकिल कर चुकी है, लेकिन JKPCC ने उन्हें 5 माह से 1 पैसा भी नहीं दिया। उन्होंने हुकूमत और एजेंसी के आला हुकाम से जल्द अज जल्द फंड्स जारी करने की अपील की है। जनरल मैनेजर JKPCC राजेश शावर ने न्यूज 18 से फोन पर बात करते हुए कहा कि वो ठेकेदारों के मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे। JKPCC के कॉन्ट्रैक्टर है GMC बारामूला के, हमने आज से काम बंद किया है। हमारा पेमेंट पिछले 4-5 महीनों से बंद है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसमें पैसे सब छोड़ दिए, मगर पता नहीं JKPCC वाले क्यों नहीं हमको पैसे दे रहे हैं। बेचारे हम सफर कर रहे हैं, लेबर हमारे सफर कर रहे हैं, हम भी सफर कर रहे हैं। हमने बैंक से लोन उठाया, उनको देना है। पिछले 4-5 महीने से हमें पेमेंट रुके पड़े हैं JKPCC में, पता नहीं क्यों नहीं छोड़ रहे। तो आज हमने काम बंद किया है, सब ठेकेदार ने आज हमने काम बंद किया। यहाँ पे हमारी वजह ये है प्रोटेस्ट करने की कि हमारी जो पेमेंट है, जितने भी हमारे आज तक काम हुआ है, जो हम ये चाहते हैं कि जितने भी हमारी वर्क डन हुई है, वर्क डन जितना भी काम हुआ है उसकी जो पेमेंट है वो हमारी पूरी रिलीज हो चाहिए, ठीक है। जब तक हमारी वो पेमेंट रिलीज नहीं होगी तो हम तब तक काम नहीं करेंगे, क्योंकि आज तक जितने भी पैसे हमारे पास थे वो हमारे पैसे खत्म हो गए, क्योंकि हमारे लेबर्स वगैरह जो भी है सारे कॉन्ट्रैक्टर्स हम आज स्ट्राइक पे है, क्योंकि कोई पैसा आज तक इन्होंने हमारे पास नहीं दिया है। हमने जो बिलिंग की है उसकी पेमेंट हमारे पास नहीं आई। यहाँ पे काम कर रहे हैं, पहली बार हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। हमारे साथ 20-30 मजदूर जो काम कर रहे हैं, उन्हें पैसा देना है, घर चलाना है। हम 400-500 की दिहाड़ी करते हैं, जब 50 मजदूर एक साथ काम करते हैं, वही सोचिए आप 10-15 दिन में वो या 1 महीने में उनका कितना पेमेंट बन जाता है। तो हम ठेकेदार से पैसे मांगते हैं, जितना उनके पास था उन्होंने कोशिश की हमें दे दिया, लेकिन इस वक्त उनके पास हमारी बड़ी रुकूमत है और उनके जो पैसे हैं वो गवर्नमेंट की तरफ है, JKPCC की तरफ है। वो भी वहाँ पे जाके ऑफिस में हेड ऑफिस पे जाके एहतजाज करते हैं, उन्हें पैसा बागुजार नहीं होता है। अगर ये सोच लीजिए अगर मजदूर यूनियन जा भी, अगर सारे मजदूर यहाँ इकट्ठा हो गए तो फिर बहुत कुछ बुरा भी हो सकता है, काफी कुछ हो सकता है। ये लोग जैसे कहते हैं ना, बगैर उतर आएंगे, मजदूरों के बारे में सोचना है। मान लिया कि ठेकेदारों की बिजनेस करोड़ों में बंद है, लेकिन उन्हें पैसे बागुजार कीजिए, ताकि वो हम जैसे गरीब मजदूरों को दे सके जो अपने गरीब बच्चों का पेट पालते हैं। जो GMC बारामूला में जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्होंने आज काम बंद कर दिया है, क्या वजह है सर? वो बोल रहे हमारी पेमेंट पेंडिंग है कई महीनों से। कई महीनों से? Is that true? कितने महीने से? 4-5 महीने से बोल रहे हैं। चलो फिर, मुझे तो अभी महीना भी नहीं हुआ है, मैं देखता हूँ कोई बात। अच्छा, सरहदी इलाकों के नौजवान